देखो लाइफ में ना कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी, बहुत सारा टाइम ऐसा देखोगे आप लोग कि आपको लगेगा कि बस अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, कि बस अब तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो उस टाइम पर अगर आपने खुद को समझा लिया, अगर उस टाइम पर आप पॉजिटिव माइंड एक साथ में लेकर चल लिए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि बहुत बार देखा हुआ है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लोग इतनी इतनी छोटी छोटी बातों पर भी इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि आधे से ज़्यादा टेंशन तो वो सिर्फ सोचने से ही ले लेते हैं। और सोचने से होता क्या है, बीमारियां लगती हैं, साथ के साथ दिमाग ख़राब रहता है, सर दर्द रहता है और टेंशनें भरी रहती हैं। तो इसको छोड़ के अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, अगर पॉजिटिव रहें कि चलो जो हुआ हुआ, कोई नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उसके अंदर। जो चीज़ अभी गलत हुई है, क्या पता उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही हो, इसीलिए वो चीज़ ऊपर वाले ने हमारे साथ की है। अगर इस थिंकिंग को अपना कर रहने लग जाएंगे तो कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी नहीं लगेगी। क्योंकि नेगेटिव आज के टाइम में इतना ज़्यादा होते हैं, लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस लेते हैं कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव होने का मतलब है क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, अगर कोई बात हुई है, तो आप उसके ऊपर ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये तो अब हो चुका है, अब मुझसे ये चीज़ होगी ही नहीं, या अब ऐसा हो गया है, अब तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं अब इस चीज़ को ट्राई करूं दोबारा, क्योंकि ये मेरे बस की नहीं है। ये बातें जब दिमाग में आती हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखना है, हमेशा माइंड को अच्छा रखना है और अच्छा सोचना है। क्योंकि अच्छा और सीधा सोचोगे, सही सोचोगे, तो बहुत चांसेस हैं कि ज़्यादातर वही चीज़ें होंगी आपके साथ। और अगर नेगेटिव सोचोगे, हमेशा बुरा ही सोचते रहोगे, हमेशा डरते ही रहोगे ना, तो वो चीज़ें होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। तो आई होप जो चीज़ें आज मैंने इस वीडियो में बताई आप लोगों को पसंद आई होंगी। इस थिंकिंग को लेकर आपकी थिंकिंग क्या बनती है, आपका अपना ओपिनियन क्या बनता है, वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।